तो दोस्तों इरकॉन इंटरनेशनल अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज़ कर दिया है, तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो बहुत शानदार लग रहे हैं। कैसे क्या है चलिए देख लेते हैं। तो डाटा बेसिकली कंपनी को उसे क्रोस में दिया गया है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 2717 करोड़ के आसपास, पिछले साल मात्र 2238 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 2986 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिला, अप्रोक्सीमेटली 32 से 33% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने को मिला, अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 8% के आसपास का जंप है। तो क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। खर्चे की बात कर लेते हैं, पिछले क्वार्टर में 2560 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 2094 करोड़, अभी देखें तो कंपनी खर्चे 2835 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहे। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे भी ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 187 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 174 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 250 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट आपको जाता हुआ देखने मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट के अंदर ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 55 से 60% के आसपास की तेजी आपको देखने मिले। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी का प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने मिले, अप्रोक्सीमेटली वहाँ पर भी बोल सकते हैं 50% के आसपास का जंप है। चलिए कंपनी का EPS क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 1.99 रुपये का EPS था, पिछले साल 1.85 रुपये, अभी देखें तो 2.67 रुपये के आसपास आपको देखने को मिले। तो ओवरऑल अगर नंबर देखें तो नंबर अच्छे देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि नंबर रेवेन्यू वाइज देखें तो साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, और साथ में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।